70 साल हो गए जो प्रस्ताव में बहुत कुछ टेक्निकल बात नहीं जानते हैं, वकील साहब बताएंगे संविधान की बारीकियों के बारे में। मैं सिर्फ चार शब्द जानना चाहता हूं। मोहन भागवत कह रहे थे समीक्षा होगी आरक्षण की, मैंने एक मिनट भी कहा बोला हम भी समीक्षा करेंगे। समीक्षा खाली आदमी होकर नहीं आता, हमें भी आता है, हम भी समीक्षा करेंगे संविधान लागू हुआ कि नहीं हुआ। चार शब्द है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय। हम समीक्षा करेंगे 70 साल बाद क्यों हमारे पीठ में
पर जाना चाहिए। उसी समय से आप देख लीजिए सरकारी संस्थाओं की हत्या शुरू कर दी गई। 90 उठा कर जिस समय से लगा कि आपके बच्चे प्रोफेसर बनेंगे, यूनिवर्सिटी को बर्बाद करना शुरू हो गई। सारे मुद्दे हैं, इनको समझना पड़ेगा। हमारे राजनीतिक देखिए, हमें कोई एमएलए हम सबको बनना नहीं है, मुझे ना पहले से पूछिए कि जो मुद्दे हमारे हैं, अगर तुम नहीं अगर इसको रिजॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो नेता को टिकट देने से नहीं बनता है। नेता बनता है समाज के आंदोलन से, नेता बनता है और ऐसा जरूर करेंगे जिसमें आने वाले समय में समाज से सैकड़ों नेता पैदा कर देंगे। हमें एक का शिकार नहीं चाहिए, हमें सैकड़ों का शिकार चाहिए। हमें एक डॉक्टर अम्बेडकर नहीं, इस समय जितना आघात है हमको सैकड़ों डॉक्टर अम्बेडकर चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है हमारे चीज होगी मिट्टी में मिला पड़ेगा, मिट्टी में मिलकर कब खाद बनेगा उससे आपकी पीढ़ी तैयार होगी। साथियों, हम लोगों ने भी ईमानदारी से काम नहीं किया है। हम लोग देखते हैं, हम तो 20 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका, इससे बेहतर क्या हो सकता है। भारत का सबसे एलीट समाज को देख लिया और देखने के बाद मुझे लगता है कि कितने भयंकर अवस्थित हमारे लोगों के बीच में है। वैसे लोग जिसने एक सुई नहीं बनाई वो हमसे मेरिट का सर्टिफिकेट मांगता है, वैसे लोग जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की वो मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता है। मैंने एक दिन कहा एक सवाल, ये भाई साहब ऐसा है ये आपको पच उठ नहीं रहा, बाबा सत्ता आपको पच नहीं रहा है। मुसलमानों ने इस देश में 672 वर्ष शासन किया, पेट जोड़ी थी और 672 वर्ष में जो आपकी पेट पे चर्बी है और इधर है, इधर जो सफेद लाल हो रहा है, मुसलमानों